महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी है। इस हमले को भारत के इतिहास का सबसे भयावह आतंकी हमला कहा जाना गलत नहीं होगा। साल 2008 में 26 नवंबर के दिन 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने समुद्र मार्ग से मुंबई पहुंचना शुरू किया और कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें 18 सुरक्षाकर्मी समेत 166 लोग मारे गए थे, जो कि सरकारी रिकॉर्ड है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ चश्मदीदों का कहना है कि आंकड़ा बड़ा हुआ है। साथ ही कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी संख्या 300 के पार थी। बता दें कि आज इस हमले की 13वीं बरसी के मौके पर मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में बने शहीद स्मारक में सुबह करीब 9 बजे शहीद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही सुबह 10:45 पर गेटवे ऑफ इंडिया पर आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए जाएंगे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल समेत अन्य लोग शामिल होंगे। आतंकियों ने सबसे पहले रात 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की थी। आतंकियों ने 47 से 15 मिनट गोलीबारी कर 52 लोगों की जान ले ली, साथ ही 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं इसके बाद रात करीब 10:30 बजे विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से आतंकियों ने उड़ा दिया था। इसमें टैक्सी ड्राइवर समेत एक यात्री की मौत हो गई थी। वहीं इसके तुरंत 15 मिनट बाद बोरी बंदर से एक और टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं करीब 15 लोग घायल हो गए थे। आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस में भी हमला बोला। वहीं सुरक्षा बलों ने 29 नवंबर की सुबह तक हमलावर 9 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं अजमल कसाब पुलिस गिरफ्त में आ गया था, जिसे 2012 में फांसी दे दी गई थी। लेकिन ये काला दिन कोई भूल नहीं सकता, और जब जब इस ये दिन आता है, हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इतिहास में इससे बड़ा आतंकी हमला जो है वो महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। मुंबई दहल गया था, कई लोगों की जान चली गई थी, चीख पुकार मच गई थी। आज 13 साल हो गए हैं, लेकिन 13 साल बाद भी जो टीस है आतंकी हमले की, वो खत्म नहीं होती।